अगर आप किसी भी समस्या के समाधान के लिए कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एक कॉल से आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, क्योंकि रायपुर में ठगी का जामताड़ा कनेक्शन सामने आया है। साइबर सेल ने 5 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है जो अलग अलग राज्यों के 100 से ज्यादा लोगों को शिकार बना चुके हैं, और इनके वारदात का तरीका सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। टेबल पर बिखरे सिम कार्ड, मोबाइल और पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये 5 शातिर ठग। इंटरनेट और सोशल मीडिया के तेजी से फैलने के बाद दुनिया जैसे जैसे जुड़ती गई, साइबर ठगी के मामले भी दिनों दिन बढ़ते चले गए। रायपुर पुलिस ने छत्तीसगढ़ के अलावा MP, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कई राज्यों में 100 से ज्यादा लोगों को अपना ठगी का शिकार बना चुके 5 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने रायपुर में 4 अलग अलग लोगों से करीब 20 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। ये जामताड़ा अंतर्राष्ट्रीय गैंग के सदस्य हैं और वारदात को अंजाम देने का इनका तरीका सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पहले ये आरोपी बड़े ही शातिराना तरीके से गूगल में किसी भी कंपनी के कस्टमर केयर के साथ अपना मोबाइल नंबर भी डाल देते थे, जो असली नंबर के ऊपर ही दिखाई देता है, जिससे कोई भी कस्टमर के कॉल करने पर वो कॉल इन शातिर ठगों के पास ही जाता था। कस्टमर का कॉल पहुंचते ही ये उन्हें अपनी बातों में उलझा कर एनी डेस्क नाम का एक ऐप डाउनलोड करवाते थे, और इसी दौरान दूसरा ठग अपने सिस्टम पर कस्टमर के मोबाइल को स्कैन कर पूरा डेटा खंगाल लेता था। इसके बाद बैंक अकाउंट से तत्काल पैसा ट्रांसफर करते थे। कस्टमर से बात खत्म होने के बाद चौथा शातिर ठग कस्टमर से एनी डेस्क के जरिए मिली जानकारी के बाद सभी पासवर्ड नंबर को फीड कर हूबहू एक नकली ATM कार्ड बनाकर बैंक ATM जाकर पैसे निकाल लेता था। फिलहाल पुलिस ने इन शातिर ठगों को 2 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, जिसके बाद कई और बड़े खुलासे होने की आशंका है। सर, ये किस तरीके से पूरी ठगी को अंजाम देते थे, इनको कहां से गिरफ्तार किया गया? रायपुर पुलिस के द्वारा जो है दुर्गापुर से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये 5 आरोपी जो है कस्टमर, जो गूगल कस्टमर केयर है, उस पर अपने नंबर जो है पहले फीड कर देते थे। जब भी कोई प्रार्थी पेटीएम पे या फोन पे या पेयू पे जब भी कॉल करता था, मतलब यदि अपना कोई खाता अपडेट कराना चाहता है या कोई नया नंबर रजिस्टर कराना चाहता है, तो गूगल कस्टमर केयर पर जाता है और उस कंपनी का नंबर सर्च करता है। तो जब भी नंबर किसी व्यक्ति के द्वारा सर्च किया जाता है, तो ये फ्रॉड करने वाले लोगों के नंबर ही गूगल पे पहले से होते थे, और जब कोई व्यक्ति इस पर कॉल कर लेता था तो ये उससे एनी डेस्क ऐप डाउनलोड कराते थे और उसके फोन का मिरर जो है अपने फोन पर अपने मिररिंग कर लेते थे, और उसके बाद जो भी OTP उसके फोन पर आता था वो अपने फोन पर उसके रीड करने के बाद उसके खाते को खाली कर देते थे। ऐसा ही 3-4 मामला हमारे रायपुर जिले में आया हुआ था, जिसमें लगभग 20 लाख रुपए की ठगी हुई थी। इस पर एक टीम को रवाना किया गया था और 5 आरोपियों को गिरफ्तारी करने में हम लोगों को सफलता मिली है। आप गूगल पे किसी कस्टमर केयर का नंबर सर्च करते हैं तो सबसे ज्यादा अच्छा बेहतर तरीका है कि उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर नंबर निकालें, और यदि आप उस नंबर पे फ़ोन लगाते हैं और सामने वाला व्यक्ति कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोलता है, तो एप्लीकेशन बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनी डेस्क टाइप की जो एप्लीकेशन है वो आपके फ़ोन का एक्सेस जो है सामने वाले व्यक्ति को दे देते हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप किसी भी तरह का एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें और किसी भी कंपनी का जो रजिस्टर्ड वेबसाइट है वहाँ से जाकर नंबर निकालें। ये पूरी जानकारी दे रहे थे एडिशनल SP साइबर सेल रायपुर अभिषेक महेश्वरी जी, और इन्होंने जिस तरीके से बताया कि इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके रायपुर लाया गया है और इनसे इनको पुलिस रिमांड पे 2 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया गया है, और आने वाले दिनों में इनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।